सऊदी अरब का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है दोस्तों। मोहम्मद बिन मार्शल जो सऊदीया का रहने वाला था, कुछ दिन पहले यहाँ अपने कज़न का कत्ल कर दिया था किसी बात विवाद को लेकर के। उसका जो कबीला था काफ़ी अमीर घराना था उसका, उसके पास सोना जवाहरात गाड़ी बंगला धन दौलत भरपूर था। लेकिन वह जब यहाँ सजा भी मांगने के लिए सब कुछ अपना अर्पण कर दिया, यहाँ तक कि घुटनों के बल बैठ गए, जो उनका सर का जो ताज जो पहनते हैं वो भी उतार कर रख दिए, धन दौलत सोना चांदी गहना और गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ और घर का कागज सब कुछ जायदाद सब कुछ देने के लिए तैयार थे। लेकिन वो लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने एक ही शब्द बोला, हमें खून के बदले खून चाहिए, कत्ल के बदले कत्ल चाहिए। तो वहाँ का जो कानून था वो तो कत्ल पहले सुना चुका था, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए कुछ चंद घंटों पहले वो लोग गए थे, लेकिन उनको माफ़ वो लोग नहीं किए। फिर बाद में होता क्या है, माफ़ी मांगने से पहले कुछ देर उसको वहाँ की आखिरी इच्छा मरणों में भर करके रोने लगती है। लेकिन जिसको ये मालूम हो कि अभी कुछ चंद मिनट बाद ही हमारी मौत हमारे सामने है और हम मरने ही वाले हैं, उसकी क्या हालत होगी, माँ पे क्या गुजरेगी, आगे बढ़ जाता है, जिससे कि आने वाले नस्ल जो है उनके तो उसमें भी कुछ जैसे सबके मन में हिम्मत हो जाती है अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारा माफ़ीनामा लग जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन वहाँ का कानून ऐसा कुछ नहीं दिया, वहाँ का सीधे डायरेक्ट कह दिया कि हम यहाँ का जो हमारे यहाँ का कानून है हम अपने कानून के मुताबिक